वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी ब्लेसिंग से इस इंडस्ट्री में एक माइलस्टोन साबित होगी। सो लेडीज एंड जेंटल, जो तीनों डायरेक्टर्स हैं हमारे, उत्तरी भारत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही एक मेहनत से इन्होंने अपनी जो स्थान बनाया है समझ में, एक बिजनेस वर्ल्ड में, वो अपने आप में एक ऐसी एक एक, एक, एक अकल्पनीय यात्रा है कि अगर हम उस बात करें तो हम उसे शायद इस पूरे श्री संतोषी के हाथ में। सो संतोषी से फ्यू वर्ड्स फॉर क्रेजी किया रहे, इष्ट ने क्रेजी किया रहे। आज से करीब 4 साल पहले अमिताभ बच्चन जी ने मुझको एक अवार्ड दिया था, वो अवार्ड था पर्सनालिटी अवार्ड। तो आपको बताऊं कि मुंबई का जो ख्याल हमारे दिमाग में कैसे आया, जब अमिताभ जी से मैंने जो अवार्ड लिया और उन्होंने मुझे वहां पर सम्मानित किया, तो मुंबई आने का एक हमने मन बना लिया। और उसके बाद हमने अपने पार्टनर्स, अपने दोस्त राधेश्याम शर्मा जी, आलोक जी से बात की, उन्होंने की नहीं बिल्कुल हम चलेंगे। लेकिन मुंबई आने से पहले बड़ा डर लग रहा था कि मुंबई नगरी एक माया नगरी बोली जाती है, और अक्सर जो लोग बताते थे कि मुंबई में जाने के बाद कोई, अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि वहाँ पे कुछ जो प्रोड्यूसर आता है वो बड़ा दुखी होके जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इतना लकी हूँ कि मैं जब मुंबई में आया, सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई प्रेम शुक्ला जी के पास गया, इन्होंने मुझे गाइडेंस दी। और उसके बाद मुझे नरेश मल्होत्रा जी, जो इतने एक सीनियर डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा, जिनकी मैंने ये दिल्ली की देखी थी। उसके बाद वन बाई वन मुझे इतनी अच्छी टीम मिली, बाद में हमारे भाई मनमीत, हरमीत, मीत ब्रदर, तो उस पूरी टीम ने जिस तरीके से इसको, इस क्रेजी कैरे को बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मूवी बहुत अच्छी है, आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। और इसके साथ ही मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम दो मूवी और बनाने जा रहे हैं, उनका अनाउंस भी करेंगे। बड़े इश्क ने क्रेजी किया रे कि पूरे जो ड्यूरिंग जो टाइम था उसमें आपको सबसे ज्यादा क्रेजी किसने किया, आप ये बताओ। क्रेजी तो इसकी रिलीजिंग ने किया है कि कितने जल्दी ये रिलीज होती है, क्योंकि जो मूवी बन रही थी बस। अरे आप शर्मा क्यों रहे, हमारी इंडस्ट्री की इतनी खूबसूरत शान, इतनी हमारे सामने बैठी है, तभी तो आप कह रहे थे कि नहीं, मुझसे बोले थे जी मुग्धा जी ने बहुत क्रेजी किया हम सबको। देखिए ऐसा है ना, हमारी मुग्धा जी, मधुमा जी काफी सभी हैं, मैं किसी के एक के प्लस कह दूंगा तो शायद हो सकता है दूसरे को बड़ा लग जाए, इसलिए मैंने किसी को नहीं बोला। थैंक यू, ऐसा है। प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर फॉर संतोष कटारा जी। नाउ आई रिक्वेस्टेड टू श्री आलोक सिंह जी, सर से फ्यू वर्ड्स फॉर दिस मूवी। थैंक यू ऋषभ जी, ऑनरेबल गेस्ट, आवर ऑल रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट, एक्टर एक्ट्रेसेस एंड जितने भी मीडिया भाई बंधु बैठे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। एंड दिस फिल्म इज अबाउट द यूथ एंड द म्यूजिक इज वेरी गुड इन दिस फिल्म, एंड डेफिनेटली आई थिंक यू ऑल लव्ड इट। और जैसा कि आपने देखा, मीत ब्रदर्स हमारे भाई, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। स्टार कास्ट में अगर बात करें, मधुरमा जी, सॉरी मुक्ता गोड से, आई थिंक यू ऑल नोस कि इनका कितना हमारे को सपोर्ट और कोऑपरेशन मिला है, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। एंड बहुत अच्छा म्यूजिक रिलीज करने की हमने कोशिश की है और हम कर पा रहे हैं, और आगे भी हमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा। और फिल्म को 30 अक्टूबर को हम रिलीज कर रहे हैं, ये म्यूजिकल एंड यूथ की फिल्म है और फैमिली के साथ जाके इसको देखा जा सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। सर सेम सवाल जो आपसे है कि इश्क ने क्रेजी किया रे में, सबसे ज्यादा आपको क्रेजी किसने किया? सर मैं इस फिल्म को, मुझे जो क्रेजी किया, मैं इसके बिजनेस प्लान को लेके आया था, तो मेरे पीछे इसकी क्रेजीनेस थी कि मुझे जो है मुंबई में जाके एक अच्छा बिजनेस करना है और फिल्म इंडस्ट्री प्रोडक्शन में बहुत लंबे स्केल पे आगे तक जाना है, बिकॉज वी आर न्यू, सो हम थोड़े डरे हुए हैं स्टिल। तो बाकी आई थिंक फर्स्ट रिलीज होने के बाद हम लोग भी अच्छे से कर पाएंगे। और क्रेजी जो किया, इसके कॉन्सेप्ट ने किया, इसकी स्क्रिप्ट ने किया, नरेश जी के डायरेक्शन ने किया, कुल मिला के मतलब आई एम रियली हैप्पी टुडे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Alok ji. Now I love to request you, Radhesham Sharma ji, say few words for us. Hello, friends. इस मूवी को बनाने का जो प्लान आया, एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तन्वीर जी ने दी नरेश जी के डायरेक्शन में। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि स्क्रिप्ट की जो कमी है इंडस्ट्री में, उस पर बहुत वर्कआउट किया हम लोगों ने। करीब 6 से 8 महीने सिर्फ स्क्रिप्ट पर वर्किंग करते रहे। नरेश जी का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा स्क्रिप्ट में, एंड वी आर लकी
कि हमें नरेश जी जैसे डायरेक्टर मिले जिसको इंडस्ट्री को समझने के लिए हमें बहुत सारा होमवर्क और बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो हमारी बच गई और वी आर लकी कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आपके सामने हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस मूवी को आप लोग लाइक करेंगे, हर वर्ग के लिए, यूथ से लेके फैमिली के लिए सब लोग लाइक करेंगे। एंड जो सॉन्ग है आपने कहा ना थोड़ा, नहीं मैं आपको नहीं नहीं वो सवाल बाद में था। आजकल राधेश श्याम जी मैं देखता हूँ सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं और गाने का जो टाइटल है वो यंग यंग लौंडे, तो तीनों यंग लौंडे ही तो लगते हैं। तो अब आप ये बताओ कि आप जो क्रेजी हुए हैं तो इन तीन में से हम लोग किस लौंडे से सबसे ज्यादा क्रेजी हो जाए, ये बताओ। मैं वही बताना चाह रहा था, यंग यंग लौंडे का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे अमित भाई भी ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, हम लोग आगरा से करते हैं और ये जो वर्डिंग्स हैं हमारे उधर बहुत चलते हैं। उन्होंने कहा भाई आप लोग यंग यंग लोग हो, एक कॉन्सेप्ट वहीं से बना सॉन्ग का जो है, कुमार पाजी ने फिर उसको पूरा अच्छे से बना दिया। एंड और एक बहुत अच्छा जो शायद मैं पार्टी सॉन्ग और शादियों में बजने वाला है अभी बहुत जल्दी से। Thank you so much, Radhe Shyam ji. So please put your hands together for our such a really a nice producer, innocent people, a good human being. Thank you so much. Thank you so much, sir. Young film है. आप थोड़ी सी मेरी उम्र या बालों पे मत जाइएगा please. बहुत ही जवान फिल्म है और इसमें बहुत सारे जितने भी कलाकार हैं सारे बहुत यंग हैं. And I'm really thankful to all these actors who have cooperated with me so much. I thank you, Mugda, Nishant, and all the other people who are participated in this film. And picture के बारे में बस ये कहूँगा कि film जो है, आज का युद्ध जो है, आज हमने आज तक हमेशा ये सुना है इश्क मोहब्बत के बारे में, प्यार के बारे में कि लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि आज के युद्ध की बहुत बड़ी समस्या है कि मोहब्बत तो शायद उसको दूसरी तीसरी चौथी बार में मिल जाती है, लेकिन जो करियर बनाना होता है वो बड़ी मुश्किल से बनता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के युद्ध के सामने, ये समस्या थोड़ी सी इस फिल्म में है लेकिन बहुत ही एंटरटेनमेंट पैटर्न में। ये फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कहीं से आई है और किस तरीके से एक लड़के को मिलती है और कैसे इसका जो एक शुरुआत होती है किस तरीके से उनकी मोहब्बत की, लेकिन फिर ये फिल्म जो है इस बात को भी बताती है कि जो एक दूसरी लेडी जो है, एक दूसरी औरत, एक दूसरी लड़की जो उनकी ज़िंदगी में आती है, जिसके हाथ में इस आजकल की जनरेशन का कह लीजिए, लड़कों का कह लीजिए, उसके हाथ में उनका कैरियर डिपेंड करता है और ऐसे हालात में उस लड़के के लिए परेशानी हो जाती है कि वो अपने कैरियर की तरफ जाए या अपने मोहब्बत की तरफ जाए। बस इसी पर बेस है ये फिल्म और आज के युद्ध को लेकर जो भी कुछ हमने कहना है वो इस फिल्म में कहा गया है। एंड आई बिलीव यू ऑल विल लव एंड लाइक द फिल्म। जैसे उन्होंने अभी बताया कि एक बेबी हम लोगों ने बनाई है अपनी और आज ये सारी इस मीडिया के हाथ में हम लोगों ने दी है। एंड हम उम्मीद करते हैं सब लोग मिलकर जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं कि आप सबका सहयोग रहेगा तो ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक ऑल माई म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिक राइटर्स हू आर हियर राइट नाउ, ऑल द सिंगर्स, दे हैव डन वंडरफुल 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 जॉब। एंड आई एम श्योर मैंने पहली फिल्म अपनी बनाई थी ये दिल लगी, जिसका गाना ओले ओले आज भी चलता है और लोग याद करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म में भी जो म्यूजिक लोगों ने काम किया है, जितने भी लोगों ने, ये सब के सब लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि इस फिल्म का म्यूजिक भी उतना ही सक्सेसफुल होगा। थैंक यू। द हैंडसमली हैंडसम निशान मलकानी एंड सपोर्टिंग कास्ट असलम, तानिया एंड रिचा, रितु बोलता गौर से जी, से इफ योर वर्ड्स फॉर दिस मूवी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन and I'm very happy to be here. This is a different way of having a music launch and a first trailer. I'm really happy and I want to tell all my producers, aap zarur khush honge, maya nagri mein aake koi na khush hua aisa hua nahi hai, so you'll be always happy and hamare media persons will agree to that. Naresh ji, thank you very much. Kaun khada hoga inke saath mein, but today we definitely getting a privilege to accompany with him. So I love to request Nishan, say please say few words for our movie. Thank you so much for your beautiful wishes. First of all, I would like to thank PVR Cinemas for giving us this podium
कि हम यहाँ खड़े होकर आपके सामने हमारी फिल्म के बारे में बात कर पा रहे हैं. मीडिया, थैंक यू सो मच कि आप आए हमको कवर करने के लिए. अ वेरी स्पेशल थैंक यू टू नरेश मल्होत्रा जी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझे काबिल समझा कि मैं ये फिल्म उनके साथ कर सकूँ. आर प्रोड्यूसर जिन्होंने कभी भी हमारी फिल्म का साथ नहीं छोड़ा, संतोष जी, आलोक जी, राधेश्याम जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू. इस फिल्म के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ये फिल्म एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज के साथ बनाई गई है. आज का जो यूथ है, जो आज की जनरेशन है, हम सबको हमारे 5 मिनट्स ऑफ फेम बहुत प्यारे हैं. हम सबको अपना फेम, अपना सक्सेस इतना प्यारा हो गया है कि हम कई बार उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ एक शॉर्टकट के लिए, एक शॉर्टकट जो हमको उस गोल्डन गेट पे ले जाए जहाँ के जिसके पार हमारे सारे सपने हमको लगता है कि पूरे हो जाएंगे. पर ऐसा होता नहीं है. हर शॉर्टकट एक प्राइस के साथ आता है, और वो प्राइस कभी आपकी फैमिली होती है, कभी आपका लव्ड वन होता है. इसलिए ये फिल्म में भी जो मेन कैरेक्टर है, हीरो है, उसके सामने भी यही चैलेंज है कि क्या वो एक स्ट्रगल भरी जिंदगी चूज करे जिसमें उसके साथ उसका प्यार होगा, जो उसका साथ देगा उसके अच्छे बुरे में, या वो उस गोल्डन गेट की टिकट को ले ले जो उससे उसकी फैमिली, उसके मॉरल्स, उसके एथिक्स, उसका प्यार तो छीन लेगी लेकिन शायद उसको एक बहुत ही चमकता हुआ मौका दे देगी अपने सपने पूरे करने के लिए. वो क्या करता है अंत में, दैट इज द होल फिल्म एंड दैट इज द मैसेज ऑफ इश्क ने क्रेजी किया रे. एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम, थैंक यू एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हैज बीन वंडरफुल एंड वी हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट विद अमेजिंग म्यूजिक. थैंक यू मी ब्रदर्स, आपका गाना सुपर हिट था, है और हमेशा रहेगा. एंड ओवरऑल इट्स अ यूथ बेस्ड फिल्म जिसमें आज की भाषा है, आज के लोग हैं, आज की बातें हैं, आज के जोक्स हैं और आज की सारी प्रॉब्लम्स हैं. थैंक यू. नहीं, थैंक यू से पहले आपके लिए बड़ा टेंशन वाला क्वेश्चन और हमारे लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन. चेहरे, एक इंडस्ट्री का चेहरा. हेलो हेलो, हमारी जो फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस है, जो साथ में, देयर इज टू लीड एक्ट्रेस, मुग्धा जी डेफिनेटली, उनके बिना तो इस फिल्म की हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे. दूसरा नाम मधुरिमा, अनफॉर्चुनेटली उनके ग्रैंडफादर इज नॉट वेल, ही इज रियली वेरी सीरियस, तो वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ मौजूद नहीं, तो इस क्वेश्चन में बड़ा मजा आता. इन दो खूबसूरत चेहरों में से किसने आपको सबसे ज्यादा क्रेजी किया? जी, मैं कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी कि आप मुझसे ये सवाल जरूर करेंगे. मुझे सबसे ज्यादा क्रेजी अफकोर्स फिल्म की स्क्रिप्ट ने किया, लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं कि मधुरिमा और मुग्धा में से किसने मुझे क्रेजी किया, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ मुग्धा गोडसे एंड मधुरिमा इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. आई एम लिटिल सैड कि आज वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा एंग्री भी हूँ, थोड़ा क्रेजी भी हूँ कि आज मधुरिमा हमारे साथ क्यों नहीं है. That's all. Thank you so much. मतलब दोनों हाथों में लड्डू है. Please put your hands, put your hands together. Now, अब मैं स्टेज पर, यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी इस फिल्म में जिनके संगीत ने चार चांद लगा दिए, और उनके बिना भी हम इन जितना इन आर्टिस्टों का योगदान है उतना ही उनका योगदान है. So please put your hands together. आप हमारे आज we're very lucky to be a part of this film. We've grown up watching Naresh Ji's movies. We told Naresh Ji that, you know, this song, this is how we want to do it. It'll bring a little youth to the movie. And इतने बड़े डायरेक्टर हैं और एक सेकंड के लिए भी लगा नहीं कि वही नरेश जी हैं जिनकी मूवीज हम देख देख के बड़े हुए हैं. सो सच अ हम्बल मैन, इंस्पायर्ड अस सो मच दैट वी सेड वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. टू हिज ह्यूमिलिटी प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. ही इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पीपल आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ. इन्होंने हमारी सारी बातें सुनी, समझी, और कहीं पर भी उन्होंने कहीं भी हमें दबाने की कोशिश नहीं करी. उन्होंने बोला नहीं, यू आर द गाइज, डू इट द वे यू वॉन्ट. एंड ऑफकोर्स आई हैव टू थैंक जो हमारे तीन हमारे सबसे प्यारे, आई एम रियली इन लव विद दीज थ्री प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे, हम ये बॉम्बे के नहीं है क्योंकि हम नॉर्थ के हैं, हम ग्वालियर के हैं, तो हमें पता है कि ये नॉर्थ में दे आर आइकन्स, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर. जैसे हमारे यहाँ पे रहजाज हैं, वैसे दे आर द बिगेस्ट बिल्डर्स इन नॉर्थ, और इनसे मिलने के लिए लोगों को बहुत अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है. लेकिन यहाँ जब वो आए तो उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया दैट दे आर सच, क्योंकि हमें पता था वो कौन है, तो हमें पता है कि वो भी बहुत हम्बल लोग हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी हम्बल टीम और बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं. दैट्स व्हाई वी थॉट वी हैव टू डू दिस एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी डिड इट. वी टोल्ड कुमार पाजी, पाजी वी हैव टू डू दिस, सो ही सेड नहीं, वी हैव टू डू दिस. सो वी आर वेरी थैंकफुल दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस. सब यहाँ इकट्ठे हुए, उन लोगों ने आगरा में सोचा कि बीच बोलते हैं तो एक दिन ये पेड़ बड़ा होगा, और आज हम सब लोग यहाँ पे हैं विद दिस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट. तो ऑल्सो वांट टू थैंक माय पेरेंट्स ऑल्सो, दे हैव जॉइंड अस. ये गाने का मैं सिर्फ गाने की बात करूंगा कि गाना जो बना, जिन्होंने बोला कि एक यंग सा गाना चाहिए, तो कुमार बाजी ने बोला यार यंग, हमारा हीरो जो है बहुत यंग यंग लौंडा है, तो गाने का नाम ही यंग यंग लौंडा होना चाहिए. सो दैट्स हाउ दिस सॉन्ग केम अप एंड इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट.
Naresh ji, thank you so much for featuring us in the video, and the film looks great. My best wishes to everyone over here, and I'm sure you guys are going to do great. Thank you, Harpreet ji. और आपने यंगिंग लौंडे में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मखमली आवाज को सुना होगा, तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दैट वेलवेट वॉइस जानकी पारे, प्लीज कम ओवर. और मैं आप मंच पर साथ ही बुलाना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड प्रोड्यूसर्स, आरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर नालंदा आरएस जी फिल्म, श्री आलोक सिंह जी, प्लीज कम ओवर हियर. साथ में हमारे नालंदा बिल्डर्स के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर नालंदा जी फिल्म्स, श्री संतोष कटारा जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज. श्री श्री राधेश्याम शर्मा जी, डायरेक्टर नालंदा बिल्डर्स, डायरेक्टर नालंदा जी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज कम ओवर हियर. और अब हम उन्हें बुलाना चाहेंगे जो हमारी इस आज की महफिल में चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं, हमारे इस म्यूजिक रिलीज, इस प्रोमो ट्रेलर रिलीज के जो चीफ गेस्ट और अति विशिष्ट अतिथि हैं, मैं उन्हें पूरे स्नेह के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जुडिशियल मुंबई, श्री पुरुषोत्तम त्रिपुरी जी, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. साथ में पत्रकारिता जगत का एक ऐसा चेहरा जिसे शायद ही हिंदुस्तान में कोई वो न जानता हो, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ सामना, श्री प्रेम शुक्ल जी. मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं. और नरेश जी सर, आपका स्वागत है. और मेरी अब रिक्वेस्ट है कि आज हम जिस वॉक के लिए इकट्ठा हुए हैं, आई रिक्वेस्ट टू ममता गोडसे जी, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे कंपोजर्स, हमारे आर्टिस्ट कि इस आज इस और सारे सिंगर्स जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, प्लीज कम ओवर हियर और इस फिल्म का म्यूजिक रिलीज करें. थैंक यू सो मच. एंड आई रिक्वेस्ट टू नेहा. Thank you.
मुग्धा जी, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे इश्क ने क्रेज़ किया है, किस तरह की फिल्म है, हाथ नीचे कर, आप किस तरह से फिल्म से जुड़ी है? देखिए, जैसे आपने ट्रेलर में देखा, ये एक लव स्टोरी है, म्यूजिकल है, यहाँ पे एक सिंगर की कहानी है और पावर गेम्स है हमारी ये म्यूजिक इंडस्ट्री में, और कोई भी इंडस्ट्री में जहाँ पे पावर ज़्यादा चलता है, टैलेंट भी चलता है, कैसे गेम्स खेलते हैं लोग, एंड यू नो हाउ पीपल यूज पावर बट लव ऑलवेज विंस, सो ये सब मिर्च मसाला इट्स देयर इन दिस फिल्म, इसलिए इश्क ने क्रेजी किया है, एवरीबडी इज क्रेजी अबाउट समथिंग एल्स, माय कैरेक्टर इज क्रेजी फॉर पावर एंड डोमिनेटिंग नेचर, तो इट्स अ लिटिल ग्रे शेड, फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग दिस समथिंग ग्रेश नेगेटिव एंड पावरफुल वुमन, सो आई एम फीलिंग वेरी नाइस एंड वेरी गुड अबाउट द फिल्म, एंड मैंने आज ट्रेलर देखा एंड द म्यूजिक आई हर्ड, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, सो लेट्स होप फॉर गुड। मुग्धा, पहली बार ग्रे शेड में नजर आने वाली हो, कहीं ना कहीं इमेज चेंज होगी आपकी इस फिल्म से, जैसे कि हम आपको हमेशा अलग किरदार में देखते हैं और इसमें ग्रे शेड है, तो कहीं ना कहीं इमेज चेंज हो जाएगी आपकी? यस, देखो इमेज तो हमारी हर पिक्चर से चेंज होती रहती है, व्हेन वी डू ग्लैमरस रोल वी आर नोन एज ग्लैमर गर्ल्स, व्हेन वी डू नॉन ग्लैमरस रोल वी आर नोन एज गर्ल्स नेक्स्ट डोर, सो यू नो हमेशा हर एक पिक्चर के साथ एक इमेज चेंज होती रहती है, तो आई एम जस्ट होपिंग दैट इट्स अ गुड चेंज एंड people like my character eventually, aaj cinema ban rahe hai, you know different characters and roles have been introduced and I'm very happy to be part of this show. How difficult it is to play a grey shade actually a grey shade or negative role karne mein bahut maza aata hai, kyunki na very different attitude, dona dona nahi hota, very dominating nature, to bahut maza aata hai, mujhe to bahut maza aaya. How did you get this role? नरेश जी एंड आई वर टॉकिंग अबाउट वन फिल्म, उसके तो उस दैट मूवी वाज टेकिंग लिटिल टाइम, सो ही नरेटेड मी दिस स्टोरी एंड ही इज लाइक दिस इज द रोल, इट्स वेरी नेगेटिव बट सो विल यू बी इंटरेस्टेड, आई सेड व्हाई नॉट, एंड दिस इज हाउ ही नरेटेड मी द होल फिल्म एंड आई थिंक आई गॉट क्रेजी फ्रॉम द डे वन. क्या एक्सपेक्टेशन है कि मूवी कितना क्रेजी करेगी लोग? सी, वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरी फिल्म वी डू, क्योंकि हमने इतना हार्डवर्क और मेहनत की है हर एक पिक्चर बनाने में, तो वी वॉन्ट एवरी मूवी टू बिकम हिट, तो बाकी आपके ऊपर है दैट व्हाटएवर यू लाइक, वी जस्ट होप एंड प्रे दैट यू लव दिस फिल्म. फिल्म की स्टार कास्ट नहीं है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? आई हैव बीन वर्किंग विद न्यू स्टार कास्ट एंड आजकल आप देख रहे हो हर एक नए पिक्चर में नए स्टार कास्ट आते रहते हैं, तो इट्स अ न्यू चेंज एंड इट्स अ न्यू थिंग एंड लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग, सो इट्स वेरी गुड, न्यू प्रोड्यूसर, न्यू स्टार कास्ट एंड बट द ओल्ड डायरेक्टर, सो आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. हाई, दिस इज मुग्धा कोटसे एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड अड्डा. थैंक यू सो मच. किस तरह का किरदार होगा? मेरा किरदार है, इसका नाम है आदित्य. ये फिल्म के अंदर एक सिंगर है जो कि एक इंडियन आइडल के टाइप का कॉन्टेस्ट है हमारी शो में, हमारी फिल्म में इंडियन, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब उसके सामने एक चैलेंज आता है कि जो शो की प्रोड्यूसर है उसकी मुग्धा गोडसे जो है हमारे साथ, वो शो की प्रोड्यूसर है, वो उसके सामने एक ऑप्शन रख देती है कि यार या तो उसको करियर चूज़ कर ले या अपना प्यार चूज़ कर ले. करियर चूज़ करेगा तो मतलब तेरे को मेरे पास आना पड़ेगा, प्यार चूज़ करेगा तो तेरे को ये करियर छोड़ना पड़ेगा. तो ये कहानी है कि लड़का अपने मॉरल्स को, अपनी वैल्यूज़ को सैक्रिफाइस करता है कि नहीं करता है, दैट इज़ होल स्टोरी. यहाँ पर ये भी दिखाया जाएगा कि रियलिटी शो में कितना रियलिटी होती है या ऐसा कुछ दिखाया जाएगा? एक्चुअली इस फिल्म का मैसेज बड़ा सिंपल है. आज के टाइम में हम सबको शॉर्टकट्स की बहुत ज़्यादा लालच है, एवरीबडी वांट्स कि जल्दी से हमें फेम मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, उसके लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. इस फिल्म में भी वैसा ही कुछ है कि एक रियलिटी शो के अंदर एक लड़के को एक शॉर्टकट मिलता है, लेकिन उस शॉर्टकट का जो प्राइस है, वो प्राइस है कि उसको अपना प्यार, अपनी वैल्यूज, अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. क्या वो उस शॉर्टकट को लेता है कि नहीं लेता है, दैट इज़ द होल. देखिए, मैं एक एक्टर हूँ, हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने शॉर्टकट्स आ जाते हैं. ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या हम उन शॉर्टकट्स को लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है पर्सनली कि यार शॉर्टकट लेके अगर आप सक्सेस पा लो, लेकिन अगर आपको रास्ते में अपनी फैमिली को, अपने प्यार को छोड़ना पड़े, आपको अपने साथ वालों को छोड़ना पड़े, तो उसका क्या फ़ायदा? सक्सेस अचीव करने के बाद अगर आप अकेले हो जाए, व्हाट्स द यूज़ ऑफ इट?
सेट पे सबसे ज्यादा क्रेजी किसने किया? नरेश जी ने, हमारे डायरेक्टर ने सबसे ज्यादा क्रेजी उन्होंने किया, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। वो चाहते हैं कि आपका बेस्ट कैमरा पे वो कैप्चर करे, एंड ओवरऑल फिल्म में पूरा समय उन्होंने ही हमको सबसे ज्यादा क्रेजी किया, क्योंकि हमको उनको खुश करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी परफॉर्मेंस में। एक्सीलेंट, मुद्दा के साथ ही मेरी दूसरी फिल्म है, बेजुबाइश के बाद ही हमारी दूसरी फिल्म है साथ में। ओवरऑल द केमिस्ट्री इज वेरी नाइस, वी आर फ्रेंड्स एंड इट्स अ वेरी नाइस हम्बल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। रोल सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, यंग यंग लॉन्डे कैसे जहन में आया ये गाना सबसे पहले? तो कुमार बाजी ने लिखा, तो कुमार बाजी बंदा जब होता है इसका जवाब मैं देता हूँ। क्या पाजी हमेशा दो यंग लॉन्डों से घेरे रहते हैं, तो हमें देखते हैं इन्होंने बोल दिया यंग यंग। नहीं नहीं, मेरे को लगा एक यंग बंदा दो बंदों से घिरा होता है, उल्टा फील था एक्चुअली। ये इनको गलतफहमी हो गई, पूरी यंग फील मेरे अंदर थी, दो लॉन्डे मेरे साथ थे, मैं तीन लिखने थे, लेकिन मैंने कहा चलो यंग यंग लॉन्डे में जितने मर्जी लॉन्डे आ जाए। पहले उसको यंग यंग होंडा कर रहे थे हम लोग, यंग यंग लॉन्डे ऑन द होंडे, तो मैंने कहा गड़बड़ हो जाएगा। फिर हमने गाना बनाया यंग यंग लॉन्डे खराब कर गई, फुल फिल रातों के खराब कर गई। अच्छा, ये कब सोचा कि आप दोनों को फीचर भी करना चाहिए इस गाने में? ये बचपन में सोच लिए थे इन्होंने, अभी प्लेटफॉर्म आया तो छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं, एक्चुअली बहुत समय से हमारी, पहले हम लोग बहुत वीडियोस में आते थे, लेकिन अभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब ने कहा कि आजकल जो फैंस हैं, जो गाने सुनते हैं, उनको वो जानना चाहते हैं कि इस आवाज़ के पीछे, म्यूजिक के पीछे कौन है। वीडियो में ही आते हैं, वीडियो सुपर डुपर हिट होता है, और क्या चाहिए प्रोड्यूसर को। तो इसलिए हम लोग साथ में, हम लोग डांस भी कर लेते हैं और पहले करते ही आए हैं एल्बम्स। मल्टी टैलेंटेड है ब्रदर, मल्टी टैलेंटेड। मैं एक्चुअली शूट पे था ही नहीं, मैंने एंजॉय नहीं किया भाई। यूं करो, इट वाज वेरी गुड फन, और बहुत अच्छा शूट किया। गिफ्टी बहुत ही टैलेंटेड और न्यू एज डायरेक्टर हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से तसल्ली से शूट किया, बड़े डिफरेंट स्टाइल से, पंजाबी बंदे पंजाबी स्टाइल से शूट किया। वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड वी मिस जानकी इन द शूट, ऑल्दो ये शी लुक्स लाइक अ हीरोइन हरसेल्फ। इसलिए हमने कहा आएंगे तो लाइन में खा देंगे, इसलिए हमने कहा नहीं, यू कैन नॉट कम। जानकी, आपका मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना गाने को, एंड दिस इज माई फर्स्ट सॉन्ग विद मी ब्रदर्स, सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस जानकी, बहुत अच्छा गाया इन्होंने, और आप सुन लेना घर जाकर, मैंने बहुत की। वी ऑलवेज लाइक टू वर्क विद न्यू वॉइसेस, हमने हमेशा कोशिश की है कि नई नई आवाज़ें ही इसके साथ काम करें, उसमें हमको भी एक नई एक्साइटमेंट आती है। सो वी लाइक टू वर्क, लाइक गाना फ्रेश लगता है, फ्रेश लगता है। जैसे कनिका के साथ किया था, फिर सलमान भाई को पहली बार गवाया, फिर खुशबू, उसके बाद जानकी, एंड तो वी ऑलवेज लाइक New voices, you know, come excited. हम एक प्रथा आगे बढ़ा रहे हैं। पहले कुमार पाजी ने नए म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम करा जब हम नए नए आए थे, फिर पाजी ने बोला कि बेटा नए लोगों को चांस देने से बड़ा पुण्य होता है, तो फिर मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ ये बोला। पाजी ने एक्चुअली, हम लोग स्टार्टिंग में हम बहुत कैजुअली लेते थे, मस्ती में लेते थे, पाजी ने बोला नहीं, तुम लोग के अंदर सीरियस म्यूजिक है और तुम लोग करो। हम लोग को बिजनेस भी था हमारा, तो पाजी ने बोला वो सबसे ध्यान रखा के इसी में लोग, तो इन्होंने हमको बहुत अच्छी डायरेक्शन दे के गाना जो बना ये दुनिया पिक्चर दी बेबी डॉल में सोने। और दो साल पहले पाजी ने बोल दिया था कि पाजी आप टेंशन नहीं लो, ऐसे गाने बनेंगे कि सब पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। हम लोग हंसते थे पाजी की बातें, कैसी बातें कर रहे हैं, और वो एक्चुअली हो गया, तो इन्होंने शायद वो पहले ही देख लिया था। इधर बहुत जरूरी है, बहुत देर से बेचारी स्ट्रगल कर रही है। सुपर हिट देखो हमें पता नहीं, हम अच्छा गाना बनाते हैं, आप लोग सुन के सुपर हिट कर दो, हम चाहते हैं सुपर हिट हो। चलो स्टार्ट किया जाए, जी आइए। मैं भी गाने नहीं देते, मेरे को आप ही आइए साथ में, मैं टेंशन में हूं। गोली से मारो आपकी बातों को, हेलो कंट्रोल जज्बातों को, जो भी मिले उसकी आंखों से ओ ये तो ढूंढे लवली मौके, महंगी सी विस्की में टल्ली हो के, पानी को शराब कर गई यंग यंग, ओ यंग यंग, ओ यंग यंग लौंडे खराब कर गई, फुल फिल रातों के खाब कर गई, ओ यंग यंग लौंडे खराब कर गई, फुल फिल रातों के खाब कर गई। रेड मारो, रेड मारो, जल्दी मारो रेड जी, पार्टी में तो चल रहे हैं शॉर्ट्स रेडी मेड जी,
थैंक यू सो मच हाय दिस इज अल्ताफ सैयद म्यूजिक डायरेक्टर और ये लिरिसिस्ट है मेरी सिस्टर Yes, I am a lyric writer. I have written two songs in this movie. One is Suniyara and the another one is Ishq Jo Kar Baitha. So I have written those two songs in this movie. इस फिल्म का जो थीम था मेनली ये फुल ऑन रोमांटिक फिल्म है तो इसमें रोमांस भर भर के है तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली जो गाने करने की वो फुल रोमांटिक गाने करने की अपॉर्चुनिटी मिली तो एक दोनों गाने फील गुड सॉन्ग्स हैं बहुत ही रोमांटिक है एक गाना श्रीराम और पलक मुछाल ने गाया है जो इश्क जो कर बैठा जो गाने का टाइटल है सेकंड गाना है सुनियारा वो मैंने खुद गाया है और लिरिक्स अतिया सैयद ने लिखी है उसके तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा नरेश जी को जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि इतनी अच्छी रोमांटिक फिल्म में म्यूज़िक करने की सिचुएशन मुझे सिचुएशन बताई गई थी कि किस तरह का रोमांटिक सॉन्ग होगा इसमें तो इट वॉज रियली फन टू राइट सच अ वंडरफुल सिचुएशन तो मैंने बस उसी हिसाब से लिखा है हाई इश्क जो कर बैठा ये बहुत ही फील गुड सॉन्ग है और बहुत ही रोमांटिक सा विद अ डिफरेंट शेड आजकल जो आ रहे हैं रोमांटिक सॉन्ग्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं बट ये थोड़ा सा शायराना टाइप था तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड आई होप ऑडियंस विल लाइक इट थैंक यू सो मच